लगभग 2.5 करोड़ लोगों को रोजाना एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है हमारी भारतीय रेल। यात्रा सुखद हो, सफर सुहाना हो, इसके लिए पिछले 4 सालों में रेल मंत्रालय ने अपनाई है जीरो टॉलरेंस नीति। सफर पर निकला हर यात्री सकुशल पहुंचे अपने गंतव्य को, इसके लिए रेलवे ने उठाए कुछ ठोस कदम। पुराने रेल ट्रैकों का तेज गति से रिन्यूअल किया जा रहा है। 2013-14 में जहां लगभग 2900 किलोमीटर रेल रिन्यूअल हुआ था, वहीं 2017-18 में लगभग 4400 किलोमीटर रेल रिन्यूअल हुआ। सेफ्टी के लिए लगभग 1,10,000 पदों को भरने की प्रक्रिया चालू कर दी गई है, जिनकी ड्यूटी होगी रेलवे और रेल यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखना। नतीजतन साल 2017-18 रहा अब तक का सबसे सुरक्षित साल। 2013-14 के 118 के मुकाबले इस साल दर्ज हुए 73 हादसे, रेल हादसे घटकर हुए 62%। राजधानी दिल्ली से बहुत दूर नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ी राज्यों तक तेजी से पहुंच रही है हमारी रेल। मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की मनोरम घाटियों को छूकर गुजर रही है रेल, वो भी ब्रॉड गेज पर। ईटानगर और सिलचर अब सीधे जुड़ गए हैं राजधानी दिल्ली से। ये रेलवे का जुड़ना ये सिर्फ पैसेंजरों का आवागमन का विषय नहीं होता, रेलवे हमें जोड़ती भी है, रेलवे हमें गति भी देती है, रेलवे हमें एक सामर्थ्य भी देती है। उधर देश की पहली हाई स्पीड ट्रेन यानी बुलेट ट्रेन का काम शुरू हो गया है मुंबई से अहमदाबाद के बीच। स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा, सिर्फ 2 घंटे में पूरी कर लेगी 508 किलोमीटर की दूरी, जिसे तय करने में अभी लग रहे हैं लगभग 8 घंटे। मधेपुरा बिहार में देश की पहली इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री का काम भी हाई स्पीड से चल रहा है। मोदी सरकार की मेक इन इंडिया स्कीम से इस प्रोजेक्ट को नई ऊर्जा मिल गई है। इसमें 2400 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश हुआ है। सुगम और आनंददायक रेल यात्रा के लिए जोड़ी गई हैं कई बेहतर सुविधाएं। मसलन 90 रेलवे स्टेशन विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस होंगे। मध्य प्रदेश के हबीबगंज और गुजरात के गांधीनगर स्टेशन को नया रूप देने का काम। ट्रेनों और उनके कोचों को दिया जा रहा है नया रूप। अलग अलग रूटों पर आधुनिक फीचर्स और सुरक्षा सुविधाओं से युक्त 19 हमसफर ट्रेनें। मुंबई से गोवा के बीच विस्टाडोम कोचेज में बड़ी और पारदर्शी खिड़कियों और छतों से सफर अब रोमांचक हो गया है। 690 रेलवे स्टेशनों पर फ्री हाई स्पीड वाईफाई। केरल के एर्नाकुलम स्टेशन पर कुली का कार्य करने वाले श्रीनाथ ने स्टेशन पर उपलब्ध निशुल्क वाईफाई से अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की और सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। आपने देखा स्टेशन की तो रंगत ही बदल गई है, कितना साफ दिख रहा है ये। रेलवे स्टेशनों की खूबसूरती दिन प्रतिदिन निखर रही है। रेलवे में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए हैं ठोस कदम। देश में कई स्टेशन ऐसे हो गए हैं जहां ऑल वुमेन यानी स्टेशन की सभी कर्मचारी महिलाएं हैं। ऐसा पहला स्टेशन बना था मुंबई का माटुंगा स्टेशन।
शर्मा अंकल से कह दिया। लो हो गया, अब बहुत आसान है ऑनलाइन टिकट बुक करना। पहले जहां रेलवे की साइट से ऑनलाइन एक मिनट में 2000 टिकटें बुक होती थीं, वहां अब 20,000 टिकटें बुक हो रही हैं। भारतीय रेल सही मायने में करोड़ों करोड़ सपनों की रेल है। सफर को सुंदर बनाती है, मंजिलों को करीब लाती है। भारतीय रेल जोड़ती है दिलों को, रिश्तों को, जिंदगी में खुशियां जुटाती है। भारतीय रेल धड़कती है करोड़ों दिलों में, चेहरे पर सोने सी मुस्कान सजाती है।